हे गाइस, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है सुमंत और मेरे यूट्यूब चैनल रणवीर सम्राट में आपका स्वागत है। दोस्तों, यह वीडियो एक शो रिव्यू होने वाला है जिसमें हम बात करेंगे कैंपस के ऐसे शूज की जिसमें एक बेहतरीन टेक्नोलॉजी का यूज किया गया है, और यह शूज 1400 से 1500 की प्राइस रेंज में अवेलेबल है, जिसे आप किसी बड़ी ई कॉमर्स वेबसाइट से खरीद सकते हैं। लेकिन 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 अगर आपका बजट बहुत ज्यादा टाइट है और आप 1000 से ऊपर जाना नहीं चाहते, तो हमने आपके लिए पहले ही एक वीडियो बना रखी है और उस वीडियो का लिंक मैंने आई बटन में दे रखा है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो उस वीडियो को देख सकते हैं, जिसमें मैंने कैंपस के 5 ऐसे शूज बताए हैं जो 1000 के अंदर आते हैं और वो अपनी प्राइस रेंज में बेस्ट हैं। तो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते और फटाफट से इस वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि आप हमारी वीडियोस के सभी नोटिफिकेशन जल्द से जल्द पा सकें जैसे हम वीडियो अपलोड करते हैं। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कैंपस पेरिस रनिंग शूज के बारे में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो में और जानते हैं इस शूज के कुछ खास फीचर्स के बारे में जो इस शूज को इसकी प्राइस रेंज में बाकी सबसे बेस्ट बनाती है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं इसके अपर की, जिसे नीटिंग प्रोसेस के थ्रू बनाया गया है, जिसकी वजह से यह काफी ज्यादा लाइट वेट हो जाता है। अगर आप इसकी टो बॉक्स की तरफ एक नजर डालें तो आप यहाँ पे देखेंगे कि कुछ परफोरेशन बने हुए हैं जो कि इसकी अपर डिजाइन का एक पार्ट है, और ये परफोरेशन आपको साइड वॉल पे भी देखने को मिल जाती है, जिसकी वजह से ब्रीथेबिलिटी काफी हद तक बढ़ जाती है, और आईलेट पे लगे हुए स्ट्रिंग इस अपर को एक प्रीमियम लुक देते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं वीडियो में और बात करते हैं इसके मिड सोल की। दोस्तों, मिड सोल का काम होता है कि रनिंग एक्सपीरियंस को कुशनिंग प्रोवाइड करके स्मूथ और जर्क फ्री बनाना, और इसी काम को करने के लिए मिड सोल में फैलन मटेरियल का इस्तेमाल किया गया है। लेकिन रनिंग को और भी ज्यादा एक्सपीरियंस और मेमोरेबल बनाने के लिए हील एरिया में एयर कैप्सूल का भी इस्तेमाल किया गया है, जिससे कि शूज आपको काफी ज्यादा बाउंसी फीलिंग दे सके। इस एयर कैप्सूल में जेल जैसी किसी मटेरियल का इस्तेमाल किया गया है, लेकिन कैंपस ने अभी तक इसके बारे में कुछ ज्यादा डिटेल में नहीं बताया है। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं वीडियो में और बात करते हैं इसके आउटसोल की। दोस्तों, आपके बैलेंस रनिंग एक्सपीरियंस के लिए जरूरी है कि जब आपका पैर जमीन पर पड़े तो आपका पैर इधर उधर स्लिप ना हो, और इसी परेशानी को आउटसोल के जरिए फिक्स किया जाता है। और ये आउटसोल तब ज्यादा कारगर हो जाता है जब इसमें रबर आउटसोल का इस्तेमाल किया गया हो, जो आपको अलग अलग सरफेस पे काफी अच्छा ग्रिप प्रोवाइड करता है। और इस शूज में भी इन्हीं सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए इसमें रबर आउटसोल का इस्तेमाल किया गया है, जिसकी वजह से इस शूज के साथ रनिंग एक्सपीरियंस और भी ज्यादा इन्हेंस हो जाता है। दोस्तों, अगर आप लोग इस शूज में इंटरेस्टेड हैं तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको यह रिव्यू, नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर हमें जरूर बताएं। साथ ही अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना ना भूलें और अपने दोस्तों का शेयर भी करें। मुलाकात होगी आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।